पिछले ही दिनों बल्कि एक दिन पहले आप सभी मित्रगणों ने देखा है, अपने आप को जम्मू की और डोगरों की पार्टी कहने वाली पैंथर्स पार्टी का स्थापना दिवस, और उस स्थापना दिवस में बतौरे मुख्य मेहमान, बतौरे चीफ गेस्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस के पैट्रन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। ये एक बड़ा साफ और प्रकष्ट एक सवाल हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनसे पूछना चाहते हैं कि ये रिश्ता कहलाता क्या है। पिछले दिनों एक चाय पीने के लिए आपने प्रोफेसर साहब को पार्टी से सस्पेंड किया और फिर उनको एक ड्रामेटिक तरीके से वापस लाए। आज तो आप हाथ खोल के और गला लगा के उनको अपने मन के साथ बुला के और फिर बड़ी बड़ी तारीफें, और सबसे बड़ी बात की पैंथर्स पार्टी के फाउंडेशन डे में पैंथर्स पार्टी के मंच पे धारा 370 और 35A के रेवोकेशन को लेके क्या क्या बातें वहां पे कही गई हैं। लेट जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी क्लेरिफाई वेदर ऑल दी स्टेटमेंट्स, ऑल दी असर्शंस, ऑल दी इंप्यूटेशंस ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट मेड बाई फारूक अब्दुल्ला, वेदर JKNPP सब्सक्राइब टू इट ऑर नॉट। ये बात बिल्कुल खुली और साफ ओपन है। वी हैव ए स्पेसिफिक चार्ट कि आपने पिछले 10, 20, 30, 40 सालों में सिर्फ कश्मीर बेस्ड पार्टियों के साथ बी टीम करने का काम किया है आपने। अगर बात करें से DDC चुनाव की, एक नया गठबंधन, आपका विचारधारा भिन्न भिन्न, आपका स्टैंड पॉइंट भिन्न भिन्न, आपका ओरिजिनेशन भिन्न भिन्न, आपका मैनिफेस्टो भिन्न भिन्न, लेकिन पीपल्स अलायंस फॉर उपकार डिक्लेरेशन सिर्फ, और उस डिक्लेरेशन में कहा गया कि हम डिक्लेरेशन का एक वन पॉइंट एजेंडा, आप डेवलपमेंट को लेके, आप विकास को लेके, आप एम्प्लॉयमेंट को लेके कोई एजेंडा बनाते हैं, लेकिन वन पॉइंट एजेंडा भारतीय जनता पार्टी को लखनपुर के इस तरफ नहीं आने देंगे, जो बार बार आपने उन मंच से कहा गया। लेकिन ये जम्मू कश्मीर के लोगों का प्यार और प्रेम है, और केंद्र में मजबूत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या जम्मू कश्मीर में पहले तो थोड़े तकरीबन 3 वर्ष की गठबंधन सरकार और उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू में भारतीय जनता पार्टी के तहत की लीडरशिप के उनके इस संपर्क और समन्वय से जो लोकप्रिय और लोक लुभावने जो कदम वहां पे लिए गए हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ लखनपुर बल्कि जवाहर टनल के बाहर भी टोले, टंगधार और पुलवामा में भी कमल का फूल खिला है उसमें। और जब आपका सुपड़ा कश्मीर से साफ हुआ और जब पैंथर्स पार्टी का सुपड़ा यहां साफ हुआ, अब चूंकि इनको गुपकार वालों को हमारा आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि एक नया गठबंधन गुपकारियों का और जम्मू के जयचंदों का हो रहा है, जम्मू के लोग कृपा करके इसका खबरदार रहे इसमें। लेट नेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सप्लेन कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का नामकरण ही, जिस पार्टी का इंसेप्शन ही, इस पार्टी का पुराना नाम एक बार बता दें जम्मू कश्मीर के निवासियों को, इस कॉन्फ्रेंस जिसका इंसेप्शन ही, जिसका ओरिजिन ही, जिसका जन्म ही एक कम्युनल माइंडसेट के साथ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और 1931 हमने बार बार कहा, आज तो केंद्र सरकार ने इसमें अपनी स्टैंप लगाई है कि 1931 का जिसे आप शहीदी दिवस के ओर पे बार बार ऑफिशियल तरीके से सरकार मंत्री मुख्यमंत्री आप ये उसे मनाते रहे, दैट वॉज ए कम्युनल स्ट्राइफ, एक सांप्रदायिक दंगे के में मारे गए लोगों को आप मार्टियर पेश करके और जम्मू कश्मीर में ये फंडामेंटलिज्म के बीज आप बोते रहे। आप वाल्मीकि, आप जम्मू कश्मीर की महिलाओं, आप जो हमारे वेस्ट पाक रिफ्यूजीज को आज तक आपने बिल्कुल लड़ाई लड़ी की उनको एक भी, आपने बाबा अमरनाथ श्राइन बोर्ड में कहा एक इंच जमीन भी उनको नहीं देंगे, आपका स्टैंड था जम्मू के विरुद्ध की आपने वो जो 2001 में सीट फ्रीज का लॉ बार बार, चाहे डोगरा सर्टिफिकेट के नाम पे आप जम्मू के ऊपर और भारत के ऊपर बल्कि जम्मू कश्मीर के ऊपर घात करते रहे, आप सब्जबाग दिखाते रहे जम्मू कश्मीर के लोगों को, और जब लोगों ने आपको रिजेक्ट किया कभी जम्मू डिक्लेरेशन के नाम पे, कभी पैंथर्स पार्टी के फाउंडेशन डे पे आके धारा 370 और 35A के नाम पे नए नए राग लापते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता सब जानती है और विशेषकर पैंथर्स पार्टी, और विशेषकर मैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रीमान हरिशदेव सिंह जी जो कि चेयरमैन है जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के, पहले तो आपने भीम सिंह जी को पार्टी से निष्कासित किया, आज तो सबसे पहले आप ही के गले मिलने उनसे। 1996 में आप बने और 2001 में, अभी हम जो प्रेस नोट देंगे उसके साथ मैं आपको आपके मोबाइल पे वो RTI का
वो रिप्लाई भी आपके सामने छाया करूंगा, आपके सामने बताऊंगा वो आरटीए में जवाब, जिसमें एक्सप्लिसिट है कि 2001 के सीट फ्रीज लॉ जब विधानसभा में इनेक्ट किया गया, उस सीट फ्रीज लॉ में हर्षदेव जी ने डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं लिया, विच मीन्स कि हर्षदेव जी ने वो जो सीट फ्रीज जो 2026 तक हमारी जो सीटें बंद की गई थी इसका जो परिसीमन रोका गया था, आपने उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपने सपोर्ट किया। उसके बाद जब 2002 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार बनी, आप एकदम छलांग मार के पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में गए, वहां पे मंत्री बने। मैं तो स्टूडेंट था उन दिनों में, लेकिन वो स्पीच मैंने अपने कानों से सुनी रामनगर में कि मुफ्ती साहब ने कहा ये तो मेरे बेटे की तरह है। वो बेटे और अडॉप्टेड सन और पिताजी वाला रिलेशनशिप तो काफी साल चला उसको। हर बार वोट लिया जम्मू से, वोट लिया राष्ट्रवाद के नाम पे, वोट लिया विकास के नाम पे, और कहा कि हम एक बार जीते तो हम जवाहर टनल के पार नहीं इन पॉलिटिकल पार्टीज को आने देंगे। लेकिन जैसे ही वोट देके आप जीतते थे, आप विधानसभा में चाहे एमएलसी चुनाव चाहे राज्यसभा चुनाव, आप हमेशा कश्मीर केंद्रित पार्टियों को और विशेषकर खासकर पीडीपी और एनसी को आप वोट डालते रहे। ये हमारा स्पेसिफिक चार्ज है। ये लेट पैंथर्स पैंथर्स पार्टी कम क्लीन। आप 96 में एक जीत के आए, 2002 में चार जीत के आए, 2008 में तीन लोग जीत के आए, आपने वोट कहां कहां डाला? एक रफीक शाह आपका एक बार सिर्फ एक एमएलसी चुनोगे कि एमएलसी राज्यसभा, तो आप हम अपने रिट्रेशन को हम अपने चार्ज को फिर सस्टेन करते हुए कि दिस इज एक गठबंधन गुपकारी।